दुनिया तक पर टॉप 5 में देखें। कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया भर में 56,87,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। हांगकांग में सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल हुई तैनात। सीमा पर तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने को कहा। चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान के शामिल होने पर आंतरिक मामलों में दखल देने का लगाया इल्जाम। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की चाल। कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया भर में 56,87,000 के आंकड़ों को पार कर गई है, जबकि इस खतरनाक वायरस से अब तक 3,52,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि इस वायरस से 24,31,000 लोगों को बचाया भी गया है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से तबाह होने वाला देश ब्राजील बन गया है, जहां संक्रमितों का आंकड़ा 3,94,000 पार हो चुका है। चीन के राष्ट्रगान का अनादर करने वाले लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की तादाद में पुलिस बल ने हांगकांग की सड़कों को घेर लिया है। पिछले हफ्ते बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रस्तावित होने के बाद चीनी शासित हांगकांग की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिससे वैश्विक आशंकाओं को बल मिला है कि चीनी और पश्चिम के बीच एक इंटरफेस के रूप में इसे मुक्त करने में मदद करने वाले स्वतंत्रता को मिटाया जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहकर खलबली मचा दी कि चीन की सेना सैन्य लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। शी जिनपिंग का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लद्दाख में सीमा पर भारत के साथ तैनात है। नई दिल्ली में चीनी दूतावास के काउंसलर लियू बिंग ने समारोह में भारत की भागीदारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान के शामिल होने पर भारत से उसके आंतरिक मामलों में दखल न करने को कहा। सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। ट्विटर द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 ट्वीट को बनावटी और भटकाने वाला बयान करार दिए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सावधान किया है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।